नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी का ये खास इनिशिएटिव फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स में। टारगेट है हमारा CGPSC का आने वाला प्रारंभिक परीक्षा, और जो नए बच्चे हैं एक बार फिर से उनको शेड्यूल बता दे रहा हूँ। सुबह 8 बजे आप लोग आकाश सर के साथ में इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कर रहे हो, शाम को 5 बजे आप लोग मेरे साथ नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के MCQs डिस्कस कर रहे हो, और रात को 8 बजे आप लोग छत्तीसगढ़ जनरल स्टडीज के MCQs डिस्कस कर रहे हो। तीनों सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और टेलीग्राम पे जो 50 क्वेश्चंस के आपको सेट दिए जा रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टेलीग्राम से जुड़कर उस 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहिएगा। इसके अलावा कुछ बातें जो है महत्वपूर्ण मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर अभी तक आपने 2 फरवरी को होने वाला FTR मेगा टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो फौरन वेबसाइट पर विजिट करें और रजिस्ट्रेशन वहाँ पर कर ले। बहुत सारे बच्चे, लगभग 4000 के आसपास बच्चे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, तो आप कहीं पीछे ना रह जाओ। अपनी तैयारी की बेहतर स्थिति को जानने के लिए इस टेस्ट से जरूर जुड़िएगा। मोबाइल कोर्स के लिए अभी ऑफर चल रहा है, तो आप मोबाइल कोर्स से जुड़ने के लिए, अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर लिए, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो चलिए, आज हम लोग यहाँ पर नेशनल करंट अफेयर में इस साल यानी कि वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स और कुछ इंपॉर्टेंट कैंपेन के MCQs को डिस्कस करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जितने भी यहाँ पर आपसे क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं उसके आसपास कहीं ना कहीं आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक, तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। तो पहला जो क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के किस चरण की शुरुआत हेतु मंजूरी प्रदान की गई है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आपके सामने ऑप्शन है दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि तीसरा। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण की मंजूरी दे दी गई है। ये तीसरा चरण किस प्रकार से है ये हम जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले हम लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को शुरू किया गया था। कब ये आपका शुरू किया गया था? 25 दिसंबर 2000 को। ठीक है, देखिए सबसे इससे भी पहले ना एक बात समझिएगा कि जब भी आपसे कोई कैंपेन के क्वेश्चन पूछा जाता है यानी कि अभियान का, या फिर जब भी योजना का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको क्या क्या याद रखना होगा, उस योजना की शुरुआत कब हुई, या फिर उस योजना या अभियान का घोषणा कब हुआ, उसका लक्ष्य किस प्रकार से है, ठीक, उस पर अगर बजट पता हो तो लिखिएगा बजट किस प्रकार से खर्च किए जाएंगे, नोडल एजेंसी यानी कि क्रियान्वयन किस प्रकार से, कौन से मंत्रालय, कौन से डिपार्टमेंट की तरफ से किया जा रहा है, इन सारी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई? 25 दिसंबर 2000 को। 2 फेस इसका कंप्लीट हो चुका है, तीसरा फेस की हाल ही में मंजूरी मिल चुकी है। नोडल एजेंसी यानी कि मंत्रालय कौन है? तो मंत्रालय आप लोग याद रखिएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, और ये तीसरे फेस में जो है 38,412 ये नंबर याद रखिएगा, यानी कि इतने स्थानों को मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा, यानी कि इतने सड़कों का निर्माण किया जाएगा, और इसके लिए जो बजट खर्च होने वाला है वो है 84,934 करोड़ रुपए। ठीक, 84,934 करोड़ रुपए। अब ये 84,934 करोड़ रुपए है, तो आप लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो फंडिंग होती है वो 60 और 40 के रेशियो में होता है, यानी कि 60% केंद्र सरकार खर्च करती है और 40% राज्य सरकार खर्च करती है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, और इसके एक क्राइटेरिया को भी ध्यान रखिएगा कि अगर मान लो कि सामान्य क्षेत्र है यानी कि समतल मैदानी क्षेत्र है कोई, तो वहाँ 500 की आबादी होना जरूरी है, उसके बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत में उस क्षेत्र को जोड़ा जा सकता है, और अगर पहाड़ी या फिर कोई दुर्गम एरिया है तो 250 की आबादी होना जरूरी है ताकि उसको जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत में उस क्षेत्र को मुख्य सड़क से जोड़ा जाए। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में इसके पहले चरण की मंजूरी दी गई है। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट का क्वेश्चन किस प्रकार से है। ठीक, जितने भी क्वेश्चन यहां पर करवा रहा हूं 2019 के, ये सारे इंपॉर्टेंट स्कीम्स या फिर कैंपेन होंगे। चलिए नेक्स्ट का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा देश के प्रत्येक ग्राम पंचायत हेतु एक विकास योजना तैयार करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? आपके सामने ऑप्शन है एक पंचायत अभियान,
दूसरा है एक देश एक पंचायत, तीसरा है पीपुल्स प्लान अभियान और चौथा है समग्र पंचायत। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और सोचिए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इसको हमने ऑलरेडी नेशनल करंट अफेयर वाला जो वीकली डिस्कस करते हैं उसमें डिस्कस कर रखे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए, और खासकर छत्तीसगढ़ में जब आप पीएससी का क्वेश्चन देखोगे ना, तो ग्राम पंचायत या ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से जितने भी स्कीम्स चलाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनता है। तो ये भी जो है आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार का एक योजना है, यानी कि एक अभियान है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा पीपुल्स प्लान अभियान, यानी कि इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी। अब इसका थोड़ा सा हम लोग डिटेल देखते हैं। देखिए, इस पीपुल्स प्लान अभियान की शुरुआत की गई आपका अगस्त 2019 में। नोडल एजेंसी यानी कि मंत्रालय में बता चुका हूँ कौन सा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार। देखिए, इस योजना के तहत में ना, यानी कि पीपुल्स प्लान अभियान योजना को सबकी योजना सबका अभियान नाम से भी जाना जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, क्या सबकी योजना सबका अभियान। और इसको किस लिए शुरू किया गया था, ग्राम पंचायतों हेतु एक विकास योजना को तैयार करना इस योजना का उद्देश्य था। कैसे, अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चल रहा है, राष्ट्रीय आजीविका मिशन चल रहा है, या फिर मनरेगा कह लो, यानी कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, तो इन सबकी जानकारी जो है एक वेबसाइट पर उपलब्ध हो और कोई भी व्यक्ति उस वेबसाइट पर विजिट करे और उस योजना के तहत में कितना क्रियान्वयन हो चुका है, कितनी फंडिंग हो चुकी है, कहाँ तक पहुँच चुका है, तो सारा समग्र जानकारी जो है उस वेबसाइट पर उसको मिल जाए। तो इसीलिए ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पीपुल्स प्लान अभियान की शुरुआत अगस्त 2019 में की गई। क्लियर है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में अटल नवाचार केंद्र की कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है, यानी कि अटल इनोवेशन सेंटर प्रोग्राम की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन है सूचना मंत्रालय, ऑप्शन बी है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी है नीति आयोग, या ऑप्शन डी है स्वास्थ्य मंत्रालय। तो सबसे पहले प्रश्न को सुनिए, अटल इनोवेशन सेंटर प्रोग्राम की बात करता है। पहले ही मैं बता देता हूं कि यह जो सेंटर है एक मिशन के तहत में इस्टेब्लिश किया गया है और उस मिशन का नाम है अटल इनोवेशन मिशन। और अटल इनोवेशन मिशन से आपके सीजीपीएससी में भी प्रश्न आ चुका है, अटल इनोवेशन मिशन से आपके व्यापम में भी प्रश्न आ चुका है, और अटल इनोवेशन मिशन से आपके यूपीएससी के एग्जाम में भी, सिविल सर्विसेज के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसीलिए अटल इनोवेशन सेंटर प्रोग्राम का अगर एसआर एस्टैब्लिशमेंट किया गया है तो यहां से प्रश्न बनने की संभावना बन जाती है बहुत अधिक तक। तो इस प्रश्न का सही जो जवाब होगा वो होगा नीति आयोग। नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन के तहत में इस साल यानी कि 2019 में अटल नवाचार केंद्र कार्यक्रम यानी कि अटल इनोवेशन सेंटर प्रोग्राम का शुरुआत किया है। और ये किस लिए किया है, सिंपल सी बात है, इसमें इनोवेशन जुड़ा हुआ है, नवाचार जुड़ा हुआ है, तो देश में नवाचार की गति को बढ़ाने के लिए ही अटल इनोवेशन सेंटर को प्रोग्राम को इस्टेब्लिश किया गया है। तो आप लोगों को पता हो गया नोडल एजेंसी कौन सा है, यानी कि क्रियान्वयन के कौन कर रहा है, नीति आयोग कर रहा है। और इसके लक्ष्य किस प्रकार से होंगे, तो भारत जिस प्रकार से 2024 और 25 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहता है तो उसमें इनोवेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, तो इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा जो हम बहुत अधिक तक खर्च करते हैं क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने में, तो इस इनोवेशन सेंटर की मदद से जीवाश्म ईंधन यानी कि बायोफ्यूल को अधिक से अधिक प्रोड्यूस करने के लिए नए नए इनोवेटिव आइडियाज या फिर रिसर्च किए जाएंगे इन सेंटर्स में। तो आप लोग समझ रहे हो कि इसका मतलब क्या हो गया। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, ये जो सारा प्रोग्राम और सारे सेंटर जो एस्टेब्लिशमेंट किए जा रहे हैं ये किया जा रहा है अटल इनोवेशन मिशन के तहत में। तो अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत कब की गई थी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 2015 में। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग को पता चल गया ना, नीति आयोग ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत की गई, ऑप्शन है 12 सितंबर, ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 15 अक्टूबर, या फिर ऑप्शन डी है 5 नवंबर। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना बहुत न्यूज में भी था जब अपने टाइम पे ये लॉन्च हुआ था, तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 12 सितंबर 2019 से जो है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत कहां से की गई, ये आपका झारखंड की राजधानी रांची से किया गया।
क्या है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि जो छोटे और सीमांत किसान जिनकी आयु 60 वर्ष हो चुकी है उन किसानों को हर महीने 3,000 रुपये पेंशन देने के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया है। और इस स्कीम पे जो सरकार खर्च करेगी आने वाले 3 वर्षों में वो होगा 10,774 करोड़ रुपए। अब यहाँ पर देखो किसानों को प्रीमियम भी भरना पड़ेगा। अगर वो 60 साल के बाद ये 3,000 रुपये स्कीम पेंशन का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो वो उनको प्रीमियम भरना पड़ेगा हर महीने। और वो प्रीमियम किस प्रकार से होगा, 5,500 रुपये से लेकर ये प्रीमियम होगा आपका 200 रुपये तक। अब 200 रुपये तक कैसे, अब मान लो कि किसी किसान का उम्र तो 35 वर्ष है और वो अगले 60 साल तक यानी कि वो अपना प्रीमियम भरेगा तो उसको कम पे करना पड़ेगा। और अगर मान लो किसी किसान का उम्र 45 वर्ष है तो वो ज़्यादा उम्र व्यतीत कर चुका है तो उसको 200 रुपये तक प्रीमियम भरा जा सकता है। वो 60 वर्ष तक प्रीमियम भरेगा हर महीने और उसके बाद 60 वर्ष के बाद जो है हर महीने उसको सरकार 3,000 रुपये पेंशन के तौर पर देगी। तो कुछ कुछ बातें यहाँ पर याद रखिएगा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, स्वच्छता ही सेवा 2019 अभियान की शुरुआत कहाँ से किया गया। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2019 की बात यहाँ पर किया जा रहा है और गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई गई है इस साल। तो स्वच्छता से रिलेटेड बहुत सारे एक्टिविटीज़ हुए हैं, बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, तो खासकर तो आप लोगों को याद ही रखना है। तो यहाँ पर एक प्रश्न आपका पूछा है, स्वच्छता ही सेवा अभियान 2000 की शुरुआत कहाँ से हुई। ऑप्शन है जयपुर, ऑप्शन बी है रांची, ऑप्शन सी है मथुरा या फिर ऑप्शन डी है आपका दिल्ली। इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, मथुरा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर मथुरा से 11 सितंबर 2019 को स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का थीम याद रखिएगा, इस अभियान का जो थीम है वो है प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन, ये हो गया थीम। और मंत्रालय का याद नाम रखिएगा, और इस अभियान के क्रियान्वयन में दो मंत्रालय थे, कौन कौन सा मंत्रालय, एक तो हो गया आपका जल शक्ति मंत्रालय और दूसरा हो गया वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, दोनों का नाम याद रखिएगा। और यह कैंपेन जो है अभियान है कब से कब तक चला, 11 सितंबर 2019 को शुरू हुआ और 2 अक्टूबर 2019 तक यह अभियान चला। तो याद रखिएगा स्वच्छता ही सेवा अभियान 2019 के बारे में, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए जो नेक्स्ट का प्रश्न है एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान योजना यानी कि पीएम किसान के तहत निम्न में से किस श्रेणी के किसानों को प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपये सहायता राशि प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन है जिन किसानों की जोत भूमि 1 हेक्टेयर से कम है, जिन किसानों की जोत भूमि 2 हेक्टेयर से कम है, जिन किसानों की जोत भूमि 3 हेक्टेयर से कम है या फिर उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक, यानी कि जिन किसानों के पास में 2 हेक्टेयर से कम की भूमि है उन किसानों को जो है प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत में यानी कि प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत में हर वर्ष 6,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। और ये जो 6,000 रुपये होगा पूरी तरह से इसकी जो फंडिंग है वो केंद्र सरकार करेगी, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट का रोल नहीं होगा। देखिए इस स्कीम के बारे में अगर थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करोगे तो इस स्कीम का अनाउंसमेंट किया गया था 2019 के फरवरी 2019 के इंटरिम बजट में, यानी कि अंतरिम बजट में इसकी घोषणा किया गया था। किसानों को जिनके पास में 2 हेक्टेयर से कम की जोत यानी कि कृषि योग्य भूमि है उनको हर साल 3 किस्तों में 2,000 रुपये करके 6,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। और इससे जो सरकार पर जो बोझ पड़ेगा वो लगभग 75,000 करोड़ रुपये का पड़ेगा और इससे जो है हमारे देश के 12 करोड़ किसानों को लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इस तरह से प्रधानमंत्री किसान योजना के बारे में, यानी कि इसे हम लोग पीएम किसान योजना के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो जो अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा जल संकट से निपटने के लिए जल शक्ति अभियान की शुरुआत कब की गई। ऑप्शन है 30 जून 2019, 1 जुलाई 2019, 3 जुलाई 2019 या 7 जुलाई 2019। तो जल शक्ति अभियान हमने छत्तीसगढ़ करंट अफेयर वाले में भी डिस्कस किया था। तो इस जल शक्ति अभियान की जो शुरुआत है आपका 1 जुलाई से किया गया, ठीक। ये फेस वन था जल शक्ति अभियान का, तो ये कब से कब तक चला, 1 जुलाई से लेके 15 सितंबर तक चला।
और जल शक्ति अभियान का दूसरा चरण भी शुरू हुआ कब से, ये दूसरा चरण आपका शुरू हुआ 1 अक्टूबर से, कब तक चला ये आपका 30 नवंबर तक चला। तो ये दो चरणों में जल शक्ति अभियान चला। जल शक्ति अभियान में टोटल 256 जिलों का चयन किया गया, छत्तीसगढ़ के भी दो जिले शामिल थे, कौन कौन सा, एक रायपुर और एक बालोद, इसके बारे में भी याद रखिएगा। ये 256 जिलों में किस प्रकार से जल शक्ति अभियान और क्यों चलाया गया, इस जल शक्ति अभियान को चलाया गया कि वहाँ पर जिस प्रकार से वाटर की समस्याएँ उत्पन्न होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा जिन जिलों में वाटर क्राइसिस की समस्या उत्पन्न होती है वहाँ पर उससे किस प्रकार से निजात पाया जाए, इसलिए जल शक्ति अभियान को शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन के बारे में भी। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या होगा, बी होगा, 1 जुलाई 2019। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत कितने इलेक्ट्रिक बसों की खरीदी की मंजूरी दी है। ऑप्शन है 6,778, 6,197, 5,595 या फिर 4,021। फेम इंडिया के बारे में हम लोग ने छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर वाले में पढ़ा था, फेम इंडिया के तहत में छत्तीसगढ़ को जो है 50 इलेक्ट्रिक बसों हेतु मंजूरी दी गई थी। तो यहाँ पर आप ही हम लोग फेम इंडिया के बारे में समझ लेते हैं। तो उससे पहले समझ लीजिए कि इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जवाब होगा 5,595। इतने इलेक्ट्रिक बसों हेतु केंद्र सरकार ने फेम इंडिया के दूसरे चरण हेतु यहां पर मंजूरी दे दी थी। तो अब यहां पर समझिएगा ये फेम इंडिया है क्या, और इसका सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि शुरुआत कब हुआ। तो इसका शुरुआत हुआ आपका 1 अप्रैल 2015 को। इसका फेस वन जो है 2017 में ख़त्म होना था, लेकिन फेस वन 2017 में खत्म नहीं हुआ हो पाया और इसकी समय अवधि बढ़ा दी गई थी मार्च 2019 तक। अब मार्च 2019 में फेस वन खत्म हो गया और फेस टू के लिए जो है यहाँ पर 5,595 बसों हेतु मंजूरी प्रदान भारत सरकार द्वारा से कही गई। अब ये 5,595 बसों जो है, बस जो है वो 64 भारत के प्रमुख शहरों के लिए यहाँ पर वितरित करने का फैसला लिया गया। ठीक है, जिसमें से सबसे अधिक यूपी को 600 बसें वितरित करने का फैसला लिया गया, उसके बाद तमिलनाडु को जो है यहाँ पर 550 बसें जो है वितरित करने का फैसला लिया गया। एक बात और ध्यान रखिएगा, सेकेंड फेज का जो स्टार्टिंग है वो कब से हुआ, ये हुआ आपका 7 सितंबर 2019 को। फेम इंडिया का अगर आपसे कोई फुल फॉर्म पूछे तो वो भी याद रखिएगा, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। तो ये फेम इंडिया का आप वो भी याद रखिएगा। और नोडल एजेंसी कौन सा है, यानी कि कौन से मंत्रालय के अंतर्गत में इस योजना को चलाया जा रहा है, तो उस मंत्रालय का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर मंत्रालय का नाम भी याद रखना है। ठीक, फेम इंडिया के बाद अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई समग्र शिक्षा जल सुरक्षा अभियान के तहत कितने करोड़ स्कूली विद्यार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 2 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़ या फिर 10 करोड़। तो सबसे पहले इस प्रश्न का हम लोग जवाब देखेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि समग्र शिक्षा जल सुरक्षा यह जो अभियान है, तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, 10 करोड़ बच्चों को या फिर 10 करोड़ बच्चों, स्कूली बच्चों तक इस स्कीम को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अब ये समझिए कि ये जो चलाया गया है स्कीम, अब ये जो अभियान चलाया गया है समग्र शिक्षा जल सुरक्षा अभियान, ये चलाया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत चलाया गया है, और यह जो है इस मंत्रालय के आने वाला स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंडर में इस प्रोग्राम को चलाया गया, इस कैंपेन को चलाया गया है। लक्ष्य है एक विद्यार्थी हर दिन 1 लीटर पानी बचाएगा, तो 365 दिनों में एक विद्यार्थी जो है 365 लीटर पानी बचाएगा। तो पानी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए स्कूली बच्चों के बीच में यह प्रोग्राम चलाया गया है, यह अभियान चलाया गया है, जिसका नाम है समग्र शिक्षा जल सुरक्षा अभियान। मंत्रालय बता दिया, नोडल एजेंसी बता दिया, इस प्रोग्राम को अगस्त 2019 में शुरू किया गया, ये बात को भी ध्यान रखिएगा। स्कूली बच्चों के लिए चलाया गया है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और 10 करोड़ आने वाले 2 सालों में बच्चों, आने वाले 3 सालों में 10 करोड़ बच्चों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, इस बात को भी आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना होगा। ठीक, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा हाल ही में जारी निष्ठा कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन है शिक्षा, ऑप्शन बी है पर्यावरण सुरक्षा, ऑप्शन सी है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ऑप्शन डी है स्वास्थ्य। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। निष्ठा प्रोग्राम
किस क्षेत्र से संबंधित है। तो जब आप निष्ठा का फुल फॉर्म समझ लोगे ना, तो आप समझ लो कि अपना आधा प्रश्न यहीं पर आपने सॉल्व कर लिया। निष्ठा का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। ठीक, तो ये निष्ठा का फुल फॉर्म है। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट, यानी कि स्कूल के टीचर्स लोगों को यहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाने के लिए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से एक कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका नाम है निष्ठा। क्योंकि जब यहाँ पर टीचर सशक्त होंगे तो बच्चे सशक्त होंगे, तो इसीलिए टीचर को प्रॉपर गाइडेंस और ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने के लिए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से इस अभियान को शुरू किया गया है जिसका नाम है निष्ठा। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा शिक्षा से जुड़ा हुआ है यह निष्ठा प्रोग्राम। तो इस तरह से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इसके लिए भी आप लोगों को यहां पर मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कुसुम योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर रोजगार। कुसुम योजना का अगर आप लोग फुल फॉर्म समझ लोगे तो आपको यहां पर पता चल जाएगा कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान कुसुम योजना। इस योजना के तहत में लक्ष्य है 2022 तक 25,750 मेगावाट सौर क्षमता का बिजली उत्पादन करना। 25,750 मेगावाट कब तक? 2022 तक। अब इस कुसुम योजना के तहत में किसानों को जो है यहाँ पर सोलर पैनल वितरित किया जाएगा कि अगर वो चाहे कि अगर आप मान लो कि आपके पास में कुछ लैंड है यानी कि भूमि है और उस पर आप ना कृषि कर पा रहे हो ना कुछ कर पा रहे हो, ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ पर सोलर पैनल लगा सकते हो। इसमें सरकार आपको मदद करेगी। कैसे मदद करेगी? जब आप कुसुम योजना के तहत में सोलर प्लांट लगाने के लिए जब वहाँ पर सरकार से मदद के लिए करोगे तो इसमें आपको 40% फंडिंग की जो हेल्प है वो केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। 30% की जो फंडिंग है आपको किसकी तरफ से किया जाएगा? 30% जो है आपको राज्य सरकार की तरफ से किया जाएगा और बाकी 30% भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना होगा। आप यहां पर चाहो तो इस 30% का बैंक से लोन ले सकते हो और इस तरह से आप अपनी जगह पर यानी कि लैंड पर आप वहां पर सोलर प्लांट लगा सकते हो। और टारगेट है सरकार का 2022 तक 25,750 मेगावाट और सरकार ने इस सौर क्षमता को विकसित करने के लिए जो है 34,422 करोड़ रुपए की फंडिंग की व्यवस्था भी की है। तो इस तरह से कुसुम योजना के बारे में भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमने लगभग 11 से 12 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो बहुत बड़े इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं इस साल के वो सारे डिस्कस किए हैं। तो एक और नया पार्ट लेकर हम लोग आएंगे वीडियोज़ में जो कि जहाँ से आपसे हर साल प्रश्न बनते हैं वहाँ से भी कोशिश करेंगे कि आपसे एक अच्छा पार्ट आप लोगों के लिए एक अच्छा पार्ट कवर करवाएं। तो नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेयर वाला जो सीरीज चल रहा है इससे भी बने रहिएगा। अगर छत्तीसगढ़ का वेटेज अच्छा है तो नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेयर का वेटेज भी कम नहीं है। और बहुत सारे लोगों के मन में यह शंका है कि 6 महीने का नेशनल करेंट अफेयर कवर कर लेंगे तो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को मिनिमम 10 महीने का तो करेंट अफेयर पढ़ना ही होगा, 6 महीने का नहीं। ठीक, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूं आपने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, साथ में रिवाइज करते चलो। और अगर नहीं पढ़ा है तो जो चीज़ों को रिवाइज कर रहा हूं कम से कम उसको साथ में लेकर चलो। बहुत हद तक चांसेस है कि प्रश्न यहीं आसपास से आएंगे जिस तरह से पिछले ईयर्स प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पेपर आते रहते हैं। तो आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम से जुड़कर डेली 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिएगा और FTR में जो आपके बाकी के सब्जेक्ट्स भी आ रहे हैं अब पढ़ने का वक्त नहीं है, अब रिवीजन करने का वक्त है। तो सारे वीडियोस के साथ में मिलकर अपनी स्थिति को जांचते रहिएगा। अगर मेगा टेस्ट के लिए FTR के मेगा टेस्ट के लिए अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जल्दी से कर ले। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।